ये शानदार मैच घटता हुआ और बेहतरीन खिलाड़ी के लिए ये बेहतरीन ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच और फाइटर ऑफ द मैच। हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, दोपहर के 3 बज चुके हैं और एक बार फिर से मैं बिल्कुल तैयार हूँ। सुबह ज़बरदस्त बारिश हुई थी और हमारा जो टूर्नामेंट का पहला मैच था नए टूर्नामेंट का, वो बिल्कुल वॉश आउट हो गया। हम लोग भीग कर घर आए, ज़बरदस्त बारिश हुई थी। हालांकि अब बिल्कुल बेहतरीन धूप खिल चुकी है और हम लोग एक बार फिर से तैयार हैं निकलने के लिए। पिंक बॉल टूर्नामेंट जो शायान का चल रहा है, डीएवी कप का, उसका दूसरा लीग मैच है आज। कैब आ चुकी है, थोड़ा इंतजार। गाइस, हमारी जर्नी एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। 3:30 हो चुके हैं, हालांकि 4 बजे मैच स्टार्ट होना है। सुबह ज़बरदस्त बारिश और अभी बेतहाशा गर्मी, आप हमारे चेहरे के पसीने से समझ सकते हैं। जबकि गाड़ी के अंदर एसी भी चल रहा है, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन है, बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट। शायान बहुत डिसअपॉइंटेड हुए सुबह जब मैच वॉश आउट हो गया, लेकिन क्या करें, कुदरत का निज़ाम है, उस पर तो हमारा कोई जोर नहीं है। हम इस टूर्नामेंट का पहला मैच जीत चुके हैं और आज सेकंड लीग मैच है, तो इस मैच को भी जीतने की कोशिश करेंगे और मैं अपना बेस्ट दूंगा और ज्यादा से ज्यादा ओवर्स तक खेलने की कोशिश करूंगा। शायान की एंट्री हो चुकी है एक बार फिर से क्रिकेट ग्राउंड में। जबरदस्त धूप खिली हुई है और तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, क्योंकि आज सुबह का भी मैच था तो हम लोग थोड़ा सा डिले हो गए हैं। टीम अंदर पहुंच चुकी है, ऑल सेट टू स्टार्ट। शायान की टीम ने पहले टॉस जीता है और पिंक बॉल मैच 30 ओवर्स का खेला जाएगा। सलामी जोड़ी मैदान के बीचों बीच आते हुए, साक्षर पहली गेंद लेकर मैच की, बल्लेबाज तैयार और सीधा पैडों पे लगी है बॉल, जोरदार अपील, अंपायर ने नकारा, डॉट बॉल से शुरुआत हुई है मैच की। गेंद ओवर की और यह उम्दा शॉट स्क्वायर लेग की दिशा में, सीमा रेखा के पार। आरपीसीए और प्लेयर्स के बीच ये मैच खेला जा रहा है। सुबह का मैच भी शायान का प्लेयर्स के अगेंस्ट ही था, लेकिन वो वॉश आउट हो गया। 4 ओवर्स का खात्मा हुआ है और विपक्षी टीम ने 46 रन कर लिए हैं। एक और नए गेंदबाज आ गए हैं अब और इसको बैकफुट पे जाके खेल दिया है। फॉलो थ्रू में फील्ड की गई बॉल, डॉट बॉल से शुरुआत की अपने स्पेल की इंद्रजीत ने। युवराज और अक्षज बल्लेबाजी कर रहे हैं इस बार। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और अगस्त्या ने फंसा लिया ऐसा लगता है, लेकिन कैच लेने में नाकाम, पहुंच नहीं पाए फील्डर और 2 रन लेने में कामयाब हो गए बल्लेबाज। अच्छी गेंद थी, ऑलमोस्ट बल्लेबाज फंस गए थे। अगली गेंद लेकर एक बार फिर से और ये कड़क शॉट सीमा रेखा के पार। अगली गेंद लेकर अगस्त एक बार फिर से और ये अच्छी गेंद थी, बाहरी किनारा लेकर सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और ये पहली विकेट का पतन हो गया है। एक बार फिर से स्क्वायर लेग की दिशा में खेलना चाहते थे बल्लेबाज और पैडों पे जाके लगी बॉल। नए बल्लेबाज अब अंदर आ रहे हैं, तुषिया मेहरा आ गए हैं अब बल्लेबाजी की कमान संभाले। पहले विकेट के पतन के बाद नॉन स्ट्राइकर एंड पे इस वक्त खड़े हैं और सामने खड़े हैं युवराज, नाम भी युवराज, और बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। क्या काम भी युवराज जैसा है, देखना होगा। प्लेयर्स क्रिकेट अकेडमी ने 58 रन कर लिए हैं। पहले विकेट का पतन हो चुका है, इंद्रजीत ने 2 रन देकर 1 विकेट ली है। दूसरे ओवर की आखिरी गेंद है और इसको स्क्वायर लेग की दिशा में, फाइन लेग की दिशा में खेला है, वहां पे फील्डर मौजूद है, छोड़ बदल लिया। निर्णायक आ गए हैं अब बॉलिंग की कमान संभालने, देखना होगा क्या निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं इस ओवर में। एक और विकेट लेकर और ये 1 रन लेने में कामयाब हो गए बल्लेबाज, हालांकि कॉन्फिडेंट शॉट नहीं था ये। एक बार फिर से और इसको ऑन साइड पे खेला है, फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते, और ये डायरेक्टेड, देखना होगा। जबरदस्त थ्रो,
हालांकि सुरक्षित पहुंच गए हैं क्रीज में बल्लेबाज। जबरदस्त गेंदबाजी इंद्रजीत की ओर से, दूसरी विकेट का पतन हो गया इसके साथ ही, और अब एक और नए बल्लेबाज अंदर आ रहे हैं। शुरुआत अच्छी हुई थी, हालांकि दो जल्दी जल्दी विकेट गिर गई है जिससे आरपीसीए ने वापसी कर ली। अब निर्णायक आ गए हैं एक बार फिर से बॉलिंग अटैक में। 10th ओवर लेकर पहली गेंद, तन्मय, और यह कवर्स की दिशा में खेला है, हालांकि रोकना नामुमकिन। शानदार बाउंड्री, एक और विकेट का पतन हो गया है। निर्णायक को मिल गई है पहली कामयाबी और प्लेयर्स क्रिकेट अकेडमी की तीसरी विकेट का पतन हो गया 78 के कुल योग पे 9.5 ओवर्स के खात्मे के बाद। एक और नए बल्लेबाज की एंट्री हो गई है। अब गेंद और ये कवर्स की दिशा में खेला है, लॉन्ग ऑफ पे, गुड ओवर, गुड ओवर। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर 9 रन और 2 विकेटें, शानदार गेंदबाजी की है इंद्रजीत ने। एक बार फिर से एक और गेंद रह गई थी ओवर की, इसके साथ ही डॉट बॉल के साथ समाप्ति हुई है इंद्रजीत के ओवर की। 12 ओवर्स के खात्मे के बाद ओजस आ गए हैं अब गेंदबाजी की कमान संभालने। 83 रनों के कुल योग पे 3 विकेटें गिर चुकी है विपक्षी टीम की। बाएं हाथ के बल्लेबाज अर्जुन तोमर आ गए हैं अब सामने। ओजस पहली गेंद और डॉट बॉल से शुरुआत की अपने स्पेल की। ओजस एक बार फिर से और इसको खेल दिया है। शायान तैनात हैं बाउंड्री पे, फील्ड की गई बॉल। 30 ओवर्स का ये मैच है और आधा सफर तय हो गया है। 16th ओवर अब दूसरी छोर से शुरू हो गए हैं और ये मिड विकेट की दिशा में खेला है, फील्डर मौजूद, रन लेना चाहते थे, इरादा बदला बल्लेबाजों ने, अच्छी फील्डिंग। अगली गेंद लेकर और इसको खेल दिया और ये बहुत ही सुंदर फील्डिंग गली की दिशा में, निश्चित चौका बचाया अपनी टीम के लिए। मेहनत कर रहे हैं आज आरपीसीए के सारे प्लेयर्स, अच्छी वापसी कर ली है इस मैच में। पहली गेंद सक्षम के लिए और इसको स्क्वायर लेग की दिशा में खेला है, फील्डर भाग कर आए, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। 25 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, 147 रन्स कर लिए हैं प्लेयर्स क्रिकेट एकेडमी ने, 5 विकेटें भी गिर चुकी है। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है और अब अटैकिंग मोड में है बल्लेबाज, मिड ऑन के ऊपर से मारा है और ये अच्छी फील्डिंग बाउंड्री पे, 2 रन लेने में कामयाब हो गए। जीत एक बार फिर से और इसको मार दिया है, पीछे फील्डर है और यह सीधा हाथों में, 6th विकेट का पतन हो गया इसके साथ ही। विकास चौहान 32 रन्स बनाकर पेवेलियन की ओर रवाना हो गए हैं 26.5 ओवर्स के खात्मे के बाद। 6th विकेट का पतन हो गया है 155 के कुल योग पे। एक और नए बल्लेबाज का आगमन हो गया मैदान के बीचों बीच। विराट आ गए हैं अब अपना 6th ओवर लेकर, आखिरी की 18 गेंदें बची हैं इस इनिंग्स में, देखना होगा कितना और रन जोड़ पाते हैं। और ये जोरदार अपील, चूक गए एक बार फिर से विकेट कीपर, बीट हो गए थे सक्षम, कंप्लीटली बीट हो गए थे। अगली गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से सक्षम, बिल्कुल तैयार, कड़क शॉट और ये सीमा रेखा के पार। सिंगल से ज्यादा नुकसान होने वाला नहीं है, 5 गेंदें बची हैं, 170 हो गए कुल योग 29.1 ओवर्स के खात्मे के बाद 6 विकेटों के नुकसान पे। और अब एक बार फिर से निर्णायक ओवर की दूसरी गेंद लेकर और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, वहां पे फील्डर तैनात, एक रन लेने में कामयाब हो गए। गेंद इनिंग्स की और इसको खेल दिया है ऑन साइड पे और एक रन लेने में कामयाब हो गए और ये दूसरा रन लेना चाहते थे, रन आउट, अंपायर का इशारा। इसके साथ ही 7th विकेट का पतन हो गया है और 173 रनों के कुल योग पे खात्मा हुआ है पहले इनिंग्स का। और ये पिंक बॉल जिससे कि आज पहला इनिंग्स खेला गया, शानदार पिंक बॉल टूर्नामेंट। पूरी टीम पहुंच गई है कैंटीन में, ये कूपन है शायान के लिए, पहुंच गए रिफ्रेशमेंट के लिए पहले इनिंग्स के खात्मे के बाद।
कितने ओवर में जीतोगे तुम लोग ये बताओ? 175 बनाना है, 175 30 ओवर्स में। अगस्त्या कितने ओवर में जीतोगे? जीतना है यार, मजाक नहीं। मेरा नायक तो आज पता नहीं क्या करने वाला है, हंस रहा है। आरुष हाँ आरुष, बैट्समैन बताओ यार, तुम लोग बैट्समैन हो, बॉलर ने अपना काम कर दिया है, बॉलर ने अच्छा काम किया यार, कोई बोला ही नहीं। पहले चार ओवर में थोड़ा सा मुश्किल हुआ था, लेकिन अब तो शायान क्या क्या लिया है दिखा। अरे वाह क्या बात, रिफ्रेशमेंट हो चुका है। अब देखते हैं आज शायान को किस नंबर पे बल्लेबाजी मिलती है। शाम के 6:15 हो चुके हैं, तैयारियां शुरू हो गई हैं बैटिंग के लिए। अब एक और डे नाइट पिंक बॉल, दोनों ही अंपायर निकल पड़े हैं मैदान के बीचों बीच मैच का आगाज करने के लिए, इनफैक्ट दूसरी इनिंग्स का आगाज करने के लिए। शायान और अर्नब बिल्कुल तैयार निकल पड़े हैं मैदान के बीचों बीच 175 रनों का पीछा करने के लिए। डीएवी पिंक बॉल अंडर 14 क्रिकेट टूर्नामेंट का ये दूसरा लीग मैच आरपीसीए और शायान की टीम के लिए। गार्ड्स लेते हुए मैच था आज मॉर्निंग में भी, जो कि बारिश की वजह से हो नहीं पाया था, और अब एक बार फिर से आमने सामने शायान और प्लेयर्स क्रिकेट एकेडमी। पायर का इशारा हुआ, बॉलर अपने और दूसरे इनिंग्स की पहली बॉल लेकर शायान बिल्कुल तैयार, और इसको छोड़ दिया, जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। 179 बॉल्स में 175 रनों की दरकार है, अगर धैर्य से खेलेंगे तो ये मैच जीतना इतना मुश्किल नहीं। और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, फील्डर पीछे भाग रहे हैं, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। खाता खोल लिया है शायान ने अपना। यादव एक बार फिर से सामना करेंगे, अर्नब कट कर दिया है इसको, गाइड कर दिया है थर्ड मैन की दिशा में, फील्डर मौजूद है, एक रन से संतोष करना पड़ेगा। अर्नब का भी खाता खुल गया है। अब एक और नई ओवर लेकर आ गए हैं नैतिक, सामने आ गए हैं शायान, और इसको कट कर दिया है थर्ड मैन पे फील्डर तैनात, एक और रन का इजाफा। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर बॉलर शायान बिल्कुल तैयार, करेक्ट शॉट, लॉन्ग ऑफ पे रन की गुंजाइश नहीं, फील्डर मौजूद है, बॉलर एक बार फिर से, और इसको खेला है, और यहां पे हल्की सी मिस फील्ड हो गई है, और इसके चलते एक और रन लेने में कामयाब हो गए शायान। एक और नए ओवर की शुरुआत हो गई है, और सामने आ गए शायान, और इसको फ्लिक कर दिया है, पीछे फील्डर मौजूद है, एक और रन का इजाफा शायान के खाते में। बार फिर से अगली गेंद लेकर बॉलर, और उमदा शॉट गली की दिशा में, फील्डर मौजूद, एक और रन लेने में कामयाब हो गए शायान। बॉलर एक बार फिर से भागना शुरू किया, शायान बिल्कुल तैयार, और इसको लॉन्ग ऑफ पे खेला है, फील्डर मौजूद है, रन की गुंजाइश नहीं, बॉलर एक बार फिर से सामना करेंगे शायान, और इसको खेल दिया है गली की दिशा में, और ये सीमा रेखा के पार चली गई है बॉल, पहली बाउंड्री शायान के बल्ले से। एक बार फिर से अगली गेंद लेकर बॉलर, और ये करेक्ट शॉट, शानदार सीमा रेखा के पार, अर्नब के बल्ले से डबल फिगर्स में पहुंच गया अर्नब। बॉलर एक बार फिर से, शायान बिल्कुल तैयार, और इसको कट कर दिया है, फील्डर तैनात, डबल फिगर्स में पहुंच गए इसके साथ ही शायान 10 रनों पे। बहुत ही सुंदर नजारा क्रिकेट ग्राउंड पे, फ्लड लाइट्स ऑन कर दिए गए हैं, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, आज सुबह जबरदस्त बारिश हुई थी, बिल्कुल क्रिकेट के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन माहौल, बहुत ही बेहतरीन मौसम। एक बार फिर से बॉलर सामना करेंगे शायान, ब्यूटीफुल शॉट, फ्लिक कर दिया है, पीछे फील्डर तैनात, एक और रन का इजाफा। गेंद लेकर एक बार फिर से सामने आ गए हैं शायान, और एक बार फिर से फ्लिक कर दिया है, और हाथों से रन चुरा लिया, उमदा रनिंग। अगली गेंद सामना करेंगे अर्नब, और ये शानदार छक्का, कट शॉट। गेंद लेकर बॉलर एक बार फिर से, और इसको कट कर दिया है, फील्डर पीछे भाग रहे हैं थर्ड मैन पे, दूसरा रन लेने में कामयाब हो गए अर्नब और शायान, अच्छी रनिंग। अगली गेंद ओवर की
और इसको मिड विकेट के ऊपर से मारा है, वहां पे एक रन लेने में कामयाब हो गए। हालांकि थोड़ी देर तक हवा में थी बॉल। एक बार फिर से बॉलर, और ये लॉन्ग ऑफ पे खेला है, वहां पे फील्डर तैनात, रन लेने से रोक नहीं पाएंगे, छोड़ बदल लिया। और नए ओवर की शुरुआत हो गई और सामने आ गए शायान, और इसको घुमा दिया है इसको एलेक की दिशा में, और ये सीमा रेखा की ओर जा रही है बॉल। दूसरा चौका शायान के बल्ले से, 59 रनों पे पहुंच गया है टीम का कुल योग, 18 रनों पे पहुंच गया शायान। ओवर की अगली गेंद, शायान बिल्कुल तैयार, करेक्ट शॉट कवर्स के ऊपर, अच्छी रनिंग, एक और रन का इजाफा, 20 रनों पे पहुंच गए इसके साथ ही शायान। 15 ओवर्स के खात्मे के बाद शायान ने ड्रिंक्स मंगवाए हैं। दोनों ही बल्लेबाजों ने उम्दा बल्लेबाजी की है, शायान और अर्णव आज के सलामी जोड़ीदार। 13 ओवर्स के खात्मे के बाद 65 रन कर लिए हैं बिना किसी नुकसान के। अब 102 बॉल्स में 110 रनों की दरकार है। 14th ओवर लेकर आ गए हैं स्पिन गेंदबाज और सामने आ गए हैं अर्णव, और ये आउट ऑफ द पार्क, शानदार छक्का अर्णव के बल्ले से। अगली गेंद ओवर की, सामना करेंगे अर्णव, और ये विकेटों पे जाके लगी बॉल, ऐसा लग रहा था मानो कुछ हुआ ही नहीं है और बहुत कुछ घट गया। अर्णव आउट हो गए हैं, क्लीन बोल्ड, पहली विकेट का पतन हो गया है 71 रनों के कुल योग पे। यहां से चुनौती थोड़ी सी बढ़ जाएगी क्योंकि अर्णव एक बहुत ही उम्दा बल्लेबाज आउट होकर वापस चले गए हैं। निर्णायक आ रहे हैं अब बल्लेबाजी के लिए, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, फर्स्ट डाउन। गेंद ओवर की, सामना करेंगे शायान, और इसके साथ ही शायान आउट हो गए, 20 रन बनाकर दूसरी विकेट का पतन हो गया इसके साथ ही। कॉटन बोल्ड, बहुत ही धैर्य से इस इनिंग्स को आगे बढ़ाना होगा, रन बॉल का गेम है, 93 बॉल्स में 98 रनों की दरकार है इस मैच को जीतने के लिए आरपीसीए के लिए। 19 ओवर्स का खात्मा हो चुका है, बहुत ही सुंदर नजारा क्रिकेट ग्राउंड पे, बहुत ही बेहतरीन एटमोसफेयर, शानदार मौसम, और अगली गेंद आउट करार दिया अंपायर ने, चौथी विकेट का पतन हो गया है, मुश्किल में आरपीसीए, आसान दिख रहा मैच मुश्किल होता जा रहा है। एक और नए बल्लेबाज अब जा रहे हैं अंदर, 64 बॉल्स में 73 रनों की दरकार है सक्षम। एक बार फिर से शानदार बॉल, बीच हो गए बल्लेबाज। जब तक शायान और अर्णव बल्लेबाजी कर रहे थे सब कुछ कंट्रोल में था, जल्दी जल्दी चार विकेटें गिर चुकी हैं 61 गेंदों में, अब 71 रनों की दरकार है। 60 बॉल्स रिमेनिंग, 71 रन्स टू विन, एक और डॉट बॉल। जबरदस्त संघर्षपूर्ण मुकाबला चल रहा है, बेहतरीन खिलाड़ी के लिए ये बेहतरीन ट्रॉफी, मैन ऑफ द मैच और फाइटर ऑफ द मैच, बहुत ही उम्दा मैच घट रहा है इस वक्त। जल्दी जल्दी 7 विकेटें गिर गई है 26.2 ओवर्स के खात्मे के बाद 132 के कुल योग पे, 22 बॉल्स में 42 रनों की दरकार है, और हल्की सी मिस फील्ड, एक और रन का इजाफा, एक और थ्रिलर मैच की उम्मीद कर सकते हैं। 18 गेंदे, 39 रनों की दरकार, इसको नो मैन्स लैंड में गिरी, खुशकिस्मत रहे हवा में गई थी बॉल। 17 गेंदों में अब 38 रनों की दरकार है, बहुत ही जबरदस्त थ्रिलर, और इसको खेल दिया है कवर्स के ऊपर, देखना होगा डायरेक्ट हिट, और आउट हो गए बल्लेबाज, 8 विकेट का पतन हो गया है, मुश्किल हो गया है अब आरपीसीए के लिए। जबरदस्त मुकाबला घट रहा है, 12 गेंदे, 33 रनों की दरकार, और ये सीधा हाथों में मार दिया है, 9th विकेट का पतन हो गया है, मैच ऑलमोस्ट विपक्षी टीम के तरफ झुक गई है। 11 गेंदों में 33 रनों की दरकार है, और इसको खेला है कवर्स के ऊपर, और रन आउट का चांस बन गया था, गिव अप कर गए थे बल्लेबाज, डायरेक्ट हिट लगता तो मैच का खात्मा हो जाता।
दस गेंदे, 31 रनों की दरकार, आखिरी जोड़ी मैदान पे, और इसको खेल दिया है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, पीछे फील्डर तैनात, एक और रन का इजाफा, 7 गेंदों में 29 रनों की दरकार है, और एक और बॉल खड़ी हो गई और नीचे फील्डर मौजूद, इसके साथ ही मैच का खात्मा हो गया। विपक्षी टीम ने इस मैच को 28 रनों से जीत लिया है। एक समय आसान जीत दिख रही थी और ये हार में तब्दील हो गया है। जीत बने आज के फाइटर ऑफ द मैच, शानदार गेंदबाजी की थी, जोरदार तालियां हो जाए यार, मैन ऑफ द मैच, शानदार गेंदबाजी, वेल डन बॉय, अच्छी बल्लेबाजी भी की आपने। शायान की वापसी हो चुकी है अब घर की ओर, मैच के खात्मे के बाद जीता हुआ मैच, आज शायान की टीम हार गई, अच्छी शुरुआत हुई थी और उसके बाद जल्दी जल्दी विकेटें गिर गई। मैच के खात्मे के बाद अब घर की ओर वापसी हो चुकी है शायान की, जीता हुआ मैच आज हाथ से निकल गया। जब तक शायान और अर्नब बल्लेबाजी कर रहे थे ऐसा लग रहा था ये मैच बहुत ही आसानी से जीता जा सकता है, पहले अर्नब फिर शायान आउट हुए और एक के बाद एक धराशायी हो गई टीम और 28 रनों से हार मिली आज। कल सुबह शायान को एक बार फिर से ग्राउंड जाना होगा, कल सुबह एक और मैच है, सुबह की मैच बारिश में धुल गई, फिर शाम को मैच और फिर कल सुबह को मैच, कैसे तैयार करोगे शायान अपने आप को? अभी मैं घर जाऊंगा, जल्दी से खाना खाऊंगा और जल्दी सो जाऊंगा कि मैं अपने आप को कल के मैच के लिए रेडी कर सकूं। उम्मीद है गाइस आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक शेयर कर दें और अगर पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।